एक एक वोट ने भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाई। सातों की सातों सीटें देकर दिल्ली के लोगों ने तब भी बता दिया था कि वो किस दिशा में सोच रहे हैं। दिल्ली के लोगों के वोट ने देश बदलने में बहुत बड़ी मदद की है। अब दिल्ली के लोगों का वोट अपनी दिल्ली को भी बदलेगा और आधुनिक बनाएगा, सुरक्षित बनाएगा, यहां रहने वाले लोगों का जीवन और आसान बनाएगा। साथियों, दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि दिल्ली ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है। ये भारत के भिन्न भिन्न रंगों को एक जगह समेटे हुए एक जीवित परंपरा है। ये दिल्ली सबका सत्कार करती है, सबको स्वीकार करती है। बंटवारे के बाद जो लोग यहां आए, देश के अलग अलग हिस्सों से अपने सामर्थ्य को आजमाने जो लोग यहां आए, हर किसी हिंदुस्तानी को दिल्ली ने दिल में जगह दी। जो यहां बस गए, उन्होंने भी पूरे तन मन और श्रम से दिल्ली को आज यहां पहुंचाया है। दिल्ली के विकास में हर दिल्लीवासी के पसीने की महक है। ये चुनाव दिल्ली के इसी गौरव को, 21वीं सदी की पहचान और शान देने का संकल्प है। ये चुनाव एक ऐसे दशक का पहला चुनाव है जो 21वीं सदी के भारत का और 21वीं सदी में भारत की राजधानी का भविष्य तय करने वाला है। और इसलिए 8 फरवरी को पड़ने वाला वोट सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, इस दशक में दिल्ली के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए होगा। और ये काम कौन कर सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने हर संकल्प को पूरा करती है, जो कहती है वो करती है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए देश का हित, देश के लोगों का हित सबसे ऊपर है। वो भारतीय जनता पार्टी जो नेगेटिविटी में नहीं, पॉजिटिविटी में भरोसा रखती है। साथियों, हमारे लिए देश का हित सबसे बड़ा है। देश के लिए किए गए संकल्प सबसे बड़े हैं। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। देश के सामने जो दशकों पुरानी चुनौतियां थी उसे सुलझा रहे हैं, दूर
कर रहे हैं। यहां दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी समस्या थी, अवैध कॉलोनियों की। आजादी के बाद से ही किसी न किसी रूप से ये मामला लटका हुआ था। वोट के लिए वादे किए जाते थे, तारीख दी जाती थी, लेकिन समस्या को सुलझाता कोई नहीं था। दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों, जिसमें बड़ी संख्या में यहां पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं, उन्हें उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता से हमारी सरकार ने मुक्त किया है। जिन लोगों ने सोचा नहीं था कि वो अपने जीवन में कभी अपने घर की रजिस्ट्री करा सकेंगे, अब वो अपने घर का सपना सच होते हुए देख रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों से भाजपा का वादा था, उस वादे को हमने निभाया, हमने उसे पूरा करके दिखाया। तमाम रोड़ों के बावजूद रुकावटें डालने वालों ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन इन सब के बावजूद संसद से सीधे कानून बनाकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली को यह अधिकार दे दिया है। अब आपको सरकारी बुलडोजर की चिंता से भी मुक्ति मिल चुकी है और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी मिला है। भाइयों और बहनों, 11 फरवरी के बाद जब दिल्ली में भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी, तो इन सभी कॉलोनियों में विकास के काम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दिल्ली बीजेपी ने यह भी संकल्प लिया है, अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में कहा है कि इन कॉलोनियों को तेज विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। मैं दिल्ली भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके इस निर्णय के लिए। यही नहीं, जहां झुग्गी वहां पक्का घर भी बनेगा। झुग्गी में रहने वाले परिवारों को पक्का घर देने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। ऐसा घर जिसमें टॉयलेट होगा, बिजली होगी, गैस कनेक्शन होगा, नल होगा और नल में जल होगा और जल भी शुद्ध होगा। साथियों, ये 2022 तक, 2022 तक हमने सपना देखा है, हर गरीब बेघर को अपना पक्का घर देने के संकल्प का हमारा जो फैसला है उसी का ये हिस्सा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की यही भावना है। इस योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 2 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। लगभग 2 करोड़ नए घर हमारी सरकार और बनाने जा रही है। भाइयों बहनों, दुनिया के लोग जब 2 करोड़ घर शब्द सुनते हैं ना, तो चौंक जाते हैं। उनके देश की टोटल जनसंख्या से ज्यादा घर हमने बना दिए हैं। लेकिन मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों, मैं आज मेरा दर्द आपको भी बताना चाहता हूं। इतना सारा काम देश में हुआ, गरीबों को रहने के लिए घर मिले, लेकिन यहां जो सरकार है वो गरीब बेघरों को घर नहीं देना चाहती। मुझे दुख होता है जब देखता हूं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं हो पा रही है। सोचिए, 5 साल में 2 करोड़ घर केंद्र सरकार ने देश भर में बनवाए और इसमें एक भी घर यहां दिल्ली में नहीं बन पाया, इस बैठी हुई सरकार की वजह से नहीं बन पाया। आप मुझे बताइए, गरीब को अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को रहने के लिए छत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या गरीब की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या मोदी अगर ये काम करता है तो उस पर राजनीति करनी चाहिए क्या? यहां पर रुकावटें डालनी चाहिए क्या? भाइयों बहनों, हर बेघर अपना घर चाहता है। हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को एक अच्छे घर में छोड़ करके वो अपना जीवन पूर्ण करे। साथियों, जब तक, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जब तक ये लोग बैठे रहेंगे तब तक दिल्ली में लोगों की भलाई के काम वे रोकते ही रहेंगे, रुकावट डालेंगे, रोड़े अटकाएंगे, क्योंकि वो सिवाय राजनीति कुछ जानते ही नहीं। इसलिए दिल्ली में अब देखिए, 21वीं सदी के 2 दशक ऐसे लोगों के हाथ में गए कि आपको तो 21वीं सदी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और इसलिए भाइयों बहनों, 20 साल बहुत कुछ आपने देख लिया है, बहुत बर्बादी झेल चुके हैं। अब तो एक ही रास्ता बचा है और इसलिए दिल्ली में भाजपा का आना जरूरी है। जब दिल्ली में भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी तो जो देश भर में हमारा काम चल रहा है बेघरों को पक्का घर देने का, वो काम हम दिल्ली में भी आसानी से कर पाएंगे। और घर में गैस होगा, पानी होगा, बिजली होगी, सारी बुनियादी सुविधाएं भी मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत
नफरत की राजनीति से नहीं, विकास की राष्ट्रनीति से चलेगा। विकास की यही राष्ट्रनीति देश को गति भी देती और देश को नई ऊंचाई पर भी ले जाती है। आज देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब विपक्ष को किसी सरकार से शिकायत है। और आजकल मेरे लिए शिकायत क्या है, कभी कभी हमारे मित्र भी कहते हैं और हमारे विरोधी तो दिन रात कहते हैं, शिकायत क्या है? अरे कहते मोदी जी, इतनी जल्दी क्या है, इतनी तेजी से काम क्यों कर रहे हो? अरे जरा धीरे धीरे चलो, थोड़ा आराम करो, इतनी तेजी से एक के बाद एक बड़े फैसले क्यों ले रहे हो? इसकी जरूरत क्या है? साथियों, देश को तेजी से विकास करना है तो उसे दशकों पुरानी समस्याओं और दशकों पुरानी चुनौतियों से मुक्ति पानी ही होगी।